रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम पा रहे हैं कि सिविल सर्विस एक्ट में जो मुलाजमीन होते हैं उनके अपॉइंटमेंट कैसे होती है, उनकी सीनियरिटी क्या होती है, उनको टर्मिनेट किसने किया था, यानी कि हम सिविल सर्विस का जो एक्ट है वो पा रहे हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो टर्मिनेशन है। देखें, जो नेचुरल जस्टिस है, कुदरत कानून है, जो एक जनरल रूल है वो यही है कि कोई भी जुर्म हो जाए या कोई भी वजह हो जाए तो किसी भी शख्स को सजा देने से पहले उसका मौकफ सुनना लाजिम होता है। लेकिन पंजाब सिविल सर्वेंट एक्ट में 1974 में कुछ ऐसी रीज़न भी बयान की गई हैं जिनमें जो सर्वेंट है, पब्लिक सर्वेंट, सिविल सर्वेंट, उसको टर्मिनेट किया जा सकता है। आज हम उनको डिस्कस करेंगे। तो पहले हम टर्मिनेशन की तरफ जाने से पहले हम पहले समझते हैं कि सिविल सर्वेंट क्या होता है। तो सिविल सर्वेंट की तारीफ जो है ये अंडर सेक्शन 2B पंजाब सिविल सर्वेंट एक्ट 1974 में दी गई है। कोई बंदा जो सूबे के मामलात में सूबे के अंडर काम करता है, गवर्नमेंट के अंडर काम करता है, वो पब्लिक सर्वेंट होता है। इनमें कुछ ऐसे अफराद जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम कर रहे हों या कुछ इत्तफाकी तौर पर काम कर रहे हों या कुछ जो हमारे फैक्ट्री ऑर्डिनेंस होते हैं या फैक्ट्री कंपनसेशन ऑर्डिनेंस होते हैं, वर्कमैन ऑर्डिनेंस होते हैं, इनके तहत काम कर रहे हों, ये बंदे सिविल सर्वेंट में नहीं आते। अब टर्मिनेशन को समझते हैं। टर्मिनेशन होता क्या है? दो बंदे हैं, एक जिसके पास काम हो रहा है वो एम्प्लॉयर है जो काम दे रहा है, और एक एम्प्लॉय जो काम कर रहा है। इन दोनों के दरमियान रिश्ता है। अगर ये रिश्ता ब्रेक हो जाए तो हम कहते हैं टर्मिनेशन हो गया है किसी सर्विस के दौरान। तो आप देखेंगे दी एंड ऑफ रिलेशन बिटवीन दी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय इन अ सर्विस, किसी भी मुलाजम के दरमियान काम देने वाले और काम करने के दरमियान जो तल्लुक ख़त्म हो जाता है इसको हम टर्मिनेशन कहते हैं। अब रेलिवेंट प्रोविजन पंजाब सिविल सर्वेंट एक्ट 1974 में इसके कौन कौन से हैं? तो इसके रेलिवेंट जो प्रोविजन हैं वो 10, 11, 11A हैं। अब टर्मिनेशन पे जाते हैं जरा कि टर्मिनेशन ऑफ सर्विस ऑफ सिविल सर्वेंट विदाउट नोटिस, कि नोटिस के बिना किसी भी सिविल सर्वेंट की टर्मिनेशन कैसे होती है अंडर सेक्शन 10। इसमें हमने पीछे पढ़ा था कि जब अपॉइंटमेंट होती है उसमें इनिशियल अपॉइंटमेंट में एक प्रोबेशन पीरियड होता है। अपॉइंटमेंट 8 तरह की होती है, इनिशियल अपॉइंटमेंट, टेम्पररी अपॉइंटमेंट, एड हॉक अपॉइंटमेंट, उसके बाद हमारे पास प्रोबेशन पीरियड भी कहते हैं उसको, उसके बाद हमारे फैसिलिटेटिंग, एक्टिंग चार्जेस, करंट चार्जेस और परमानेंट, ये 8 किस्म की अपॉइंटमेंट होती है। जो इब्तदाई तकरीरी होती है इनिशियल अपॉइंटमेंट में, इसमें कहना प्रोबेशन पीरियड होता है जिसमें चेक किया जाता है कि आया कि ये बंदा काम करने के अहल है या नहीं है। इब्तदाई तकरीरी में ये 2 साल का होता है, जबकि अगर आपका प्रमोशन या ट्रांसफ़र होता है तब 1 साल का होता है। अब ड्यूरिंग द प्रोबेशन पीरियड आपको मुलाजमत से फारिग किया जा सकता है नोटिस दिए बिना, आपको टर्मिनेट किया जा सकता है, नोटिस नहीं दिया जाएगा। हाँ, अगर आप कहते हैं हमारा तो पीरियड एक्सटेंड हो गया, आपका पीरियड एक्सटेंड भी हो गया लेकिन आपका जो रवैया है वो ठीक नहीं है, मिसबिहेव है, तो आपको एक्सटेंड पीरियड प्रोबेशन में भी आपको नौकरी से फारिग किया जा सकता है, टर्मिनेट किया जा सकता है। ये इनिशियल अपॉइंटमेंट की बात हो रही है जिसमें आप कच्चे हैं, अभी पक्के नहीं हुए। अब इसके बाद हमारे पास है एक्सेप्शन है इसमें कुछ कि अब वो बंदे जो पक्के हो गए हैं या वो बंदे यानी कि जिन्होंने एक दायरे से दूसरे दायरे में गए हैं, टीचिंग कर रहे थे और टीचिंग छोड़ के वो FIA में चले गए। अब इनके पास एक पीरियड होता है लेन का पीरियड, अगर उन्होंने पीछे अपना आकर रखा हो, दावा इस्तकरार भी इसको कहा जाता है, लेन का पीरियड होता है, वो 2 साल का भी होता है जितना भी उन्होंने रखा हो, लेन का पीरियड होता है।
उस लेन के पीरियड के तहत इनके पास हक होता है, अगर वो यहाँ पे ना लगे या उनको वहाँ पर डिसमिस भी कर दिया गया प्रोबेशन पीरियड में, तो उनके पास हक होना चाहिए कि वापस अपने पहले जो है दायरा उसमें आ सकें। तो ये उसके पास है, ये एक होल्ड होता है इन लेन पीरियड में, जो पहले किसी और अदारे में काम कर रहे थे वो उस अदारे में तो काम कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने इस अदारे में भर्ती की तो यहाँ पर तो इनिशियल अपॉइंटमेंट के तौर पर पड़ा है ना। इनिशियल अपॉइंटमेंट में प्रोबेशन पीरियड दो साल का होता है, तो इसलिए वो अपना पीछे एक लैन का हक रख के आते हैं। अगर हमारे यहाँ पर हालात ठीक नहीं रहते या हमारे मौक़िफ नहीं होते तो हम अपने पहले महकमे में आ सकें। उसके बाद है एड हॉक अपॉइंटमेंट। अब एड हॉक अपॉइंटमेंट हमने पीछे कई बार डिस्कस किया है। एड हॉक अपॉइंटमेंट ऐसी अपॉइंटमेंट होती है जो किसी काम के तहत हो कि वो काम की तकमील हो जाएगी, जैसे ही वो काम की तकमील होगी हम ये अपॉइंटमेंट ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। अब एड हॉक अपॉइंटमेंट में किसी बंदे को किस तरह डिसमिस किया जा सकता है? एड हॉक अपॉइंटमेंट में भी बंदे को किसी वक्त डिसमिस किया जा सकता है और उसकी जगह दूसरा बंदा तैनात किया जा सकता है। अब इसमें ना एक केस ला है सुप्रीम कोर्ट का, बहुत अच्छी रूलिंग है, ये है 1991 सुप्रीम कोर्ट MR 3231 इसका है नंबर। उसमें क्या बताया गया है, एडहॉक अपॉइंटमेंट में कोई शख्स डिसमिस होता है तो उसकी जगह पर दूसरा पॉइंट लाजमी होना चाहिए। अगर कोई दूसरा बंदा उसकी जगह पर अपॉइंट नहीं होता तो जो पहली अपॉइंटमेंट है वो डिसमिस नहीं समझी जाएगी, उसको टर्मिनेट नहीं समझा जाएगा। यानी कि एडहॉक अपॉइंटमेंट में ये लाजमी है कि वहाँ पर कोई दूसरा बंदा लाजमी तैनात किया जाए, अगर तैनात नहीं होता तो बंदा जो पहला है वो टर्मिनेट नहीं होगा। ये 1991 सुप्रीम कोर्ट MR 3231 की रूलिंग थी। आगे हम समझते हैं स्कोप ऑफ सेक्शन 10। जो सेक्शन 10 है इसका स्कोप क्या है? अगर स्केल 10 में किसी भी सरकारी मुलाजम की सर्विस को नोटिस के बिना पार टर्मिनेट तो किया जा सकता है, सरकारी मुलाजम की सर्विस को नोटिस के बिना तो टर्मिनेट हम कर सकते हैं, लेकिन ये इन केस को डील नहीं करती जहां सरकारी मुलाजम को डिसमिस किया गया हो। सरकारी मुलाजम को डिसमिस किया हो यानी कि आप डिसमिस करके उसके ऊपर महकमाना कार्रवाई चलानी हो तो वहां पर ये स्कोप जो है सेक्शन 10 का वो नहीं लागू होगा। वहां पर जो हमारे पास रूलिंग है एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन 1975 पंजाब सिविल सर्वेंट एक्ट, यहाँ पर इसके जो डिसिप्लिन दिए गए हैं उसके मुताबिक कार्रवाई होगी। अब जो हमारे पास ये नोटिस दे रहे हैं महकमे का, ये इसका डिस्क्रिशनरी पावर है जो इसको कानून ने अता किया। डिस्क्रिशनरी पावर होता है स्वाब दे दी अख्तियार, अपनी पावर, जो अपनी पावर को खुद इस्तेमाल करते हुए आपको डिसमिस कर सकते हैं। ये तो हो गया हमारा इनिशियल पीरियड। प्रोबेशन पीरियड में अगर एक्सटेंड हुआ है तो उसमें भी वो आपको डिसमिस कर सकती है। एडहॉक पर भी हमने समझ लिया। अब हम समझते हैं कि अगर बंदा कोई प्रमोशन होती है या ट्रांसफ़र होती है उसमें भी तो प्रोबेशन पीरियड होता है, उसमें क्या है? अगर उसके दौरान आपको ट्रांसफ़र या प्रमोशन के दौरान आपको टर्मिनेट किया जाता है तो टर्मिनेट होने की बिना पर आप सर्विस से टर्मिनेट नहीं होगे, आप अपने उसी दायरे के पहले जो हुआ था उसमें वहाँ आ जाएंगे। प्रोफेशनल लॉयर सर्विस और कैडर अंडर सेक्शन 11। सेक्शन 11 में ये कहता है कि अगर कोई बंदा टर्मिनेट हो जाता है तो अपने लोअर ग्रेड कैडर में आ जाएगा, जो आपका उसका नीचे वाला जो रैंक था उसमें आ जाएगा, लोअर कैडर में आ जाएगा, लोअर सर्विस में आ जाएगा, आपकी पुरानी सर्विस में आ जाएगा। आगे है कुछ ऐसे पर्सन हैं जिनको अगर रिमूव कर दिया जाए अंडर सेक्शन 11A के तहत तो उनके बारे में कोई भी आप कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते, टर्मिनेशन विदाउट नोटिस कर सकते हैं उनको। वो कौन से पर्सन हैं? ऐसे पर्सन जो अपॉइंट हुए हैं 1 जनवरी 1972 से लेकर जुलाई 5 जुलाई 1977 तक। ऐसे शख्स जो 1 जनवरी 1972 से लेकर 5 जुलाई 1970 तक अपॉइंट हुए हैं उन्हें ज़िंदगी में कहीं भी किसी मौके पर टर्मिनेट किया जा सकता है। टर्मिनेट कर दें, उनको नौकरी से निकाल दें या उनको ग्रेड लॉयर कर दें, ये
वो इनके जो महकमा है, जो अथॉरिटी है, उसके पास राइट है पूरा कि वो उसको टर्मिनेट कर सकते हैं। आज हमने टर्मिनेशन के बारे में समझ लिया, हम प्रमोशन के बारे में भी पढ़ चुके हैं, ट्रांसफर के बारे में पढ़ चुके हैं। कल हम नया टॉपिक लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।